इटावा मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह अशोक के नामांकन करने के लिए इटावा स्थित निजी आवास से मैनपुरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान रघुराज अशोक के नामांकन के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मैनपुरी पहुंचकर रघुराज के साथ शामिल होंगे। कुछ नहीं कह रहे, आज हम आपको बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैनपुरी जनता, इटावा की जनता को प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता को है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश सत को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंत नगर की जनता।